आप सभी जानते ही हैं कि बिग बॉस ओटीटी में जिस तरीके से नेहा और प्रतीक सहजपाल की बॉन्डिंग थी, उसको लेकर खुद प्रतीक की बहन ने भी सवाल उठा दिए थे। और जब वो घर के अंदर आई थी, उन्होंने साफ कहा था कि एक थिन लाइन होनी चाहिए। नेहा ने बाहर आने के बाद कुछ इंटरव्यूज दिए जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे परिवार को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। अब जो है, इन सारी चीजों को लेकर प्रतीक सहजपाल ने माफी मांगी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लगातार दो पोस्ट शेयर किए हैं जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैं माफी मांगता हूँ नेहा के परिवार से। जी हाँ, वो लिखते हैं, ऑल्सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मी एंड नेहा, आई वुड लाइक टू पब्लिकली अपोलोजाइज टू हर फैमिली, हर हस्बैंड, माय फैमिली एंड ऑल द व्यूअर्स, इफ यू गाइस थिंक देयर वाज एनीथिंग इनएप्रोप्रिएट अबाउट द बॉन्ड वी शेयर। तो जो बॉन्ड था उसको लेकर बहुत सवाल उठाए गए, उंगलियां उठी और लोगों को ये बात बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुई कि एक लड़का और लड़की जो है इतने करीब कैसे आ सकते हैं, और वो भी एक शादीशुदा औरत। तो इस तरीके से नेहा को बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया गया। वो आगे लिखते हैं, आई अपोलोजाइज टू हर फैमिली एंड ऑल द व्यूअर्स फॉर एनीथिंग व्हिच वाज हर्ट एनीवन, बट जो इंसान एक बंद जगह पे होता है, कंप्लीटली डिसकनेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, ओनली दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स टू बी देयर। स्टिल There was nothing we did to intentionally hurt anyone, but I still apologize to anyone and everyone who is hurt, never meant to hurt anyone. वो आगे लिखते हैं, this apology was to the people who love me and who matter to me. जो matter नहीं करते उनसे माफी मांगो, नहीं मांगो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रतीक यही बात क्लियर कर रहे हैं कि ये जो मेरी माफी है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो मेरे लिए मैटर करते हैं। और वो आगे लिखते हैं, वो सपोर्ट मी एंड मेरी एंड नेहा की फैमिलीज को जो जाने अनजाने में हर्ट हो गए हैं, एंड फॉर द हेटर्स एंड ट्रोलर्स, यू कैन डू एंड थिंक वट एवर द फक यू वॉन्ट, आई डोंट केयर। तो शेर डजंट केयर, तो ये बात जो है साफ साफ उन्होंने लिखी है। शेर किसी बात का जो है डरते नहीं है, चिंता नहीं करते। आपको याद होगा जब सिद्धार्थ शुक्ला घर के अंदर गए थे तो प्रतीक को उन्होंने कहा था, भाई तुम्हारी फैन फॉलोइंग कम होती जा रही है, तो प्रतीक ने बोला आई डोंट केयर, तो उसने बोला दैट्स द एटीट्यूड। तो ये बात जो है प्रतीक के एटीट्यूड में वाकई में देखने को मिल रही है। उन्होंने माफी जरूर मांगी, लेकिन उन लोगों से जो उनके लिए मैटर करते हैं, और साफ साफ कहा कि खासकर नेहा और उसके परिवार, जिनको अगर उनका ये व्यवहार जो है हर्ट हुआ हो।